तो हेनरी कैवल साहब एक बार फिर से सुपरमैन को पोर्ट्रेट करने वाले हैं, जो कि काफी एक्साइटिंग बात है। अब एक्साइटेड होने के कई सारे रीजंस हैं और उनमें से एक ये भी है कि वो अल्फा मेल है भाई, कोई चमगादड़ नहीं। तो भाई चलो अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर अभी के तौर पे देखें तो सबसे लेटेस्ट सुपरमैन स्टारिंग मूवी हमें कब देखने को मिलेगी, 2021 में स्नाइडर साहब की जस्टिस लीग। अब देखो सुपरमैन की मूवीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल, कंट्रोवर्सी और अंडाफा मचा है। तो जब इतना सब कुछ देख ही लिए हैं तो ये भी देख लेते हैं या फिर जान लेते हैं कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट के आने से पहले कैसे कैसे सुपरमैन सिनेमा ने हमको दिए हैं। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस बात को समझने के लिए हम पीछे जाते हैं, बहुत ही पीछे। अब इतना पीछे मत जाओ, आते हैं हम इंडिया के आजाद होने के ठीक एक साल बाद, साल 1948 जनवरी 5। सुपरमैन को हमने पर्दे पे सबसे पहली बार देखा। अब एक्चुअली ये मूवी टोटल 4 आवर्स की थी, मगर इसे काट पीट के 15 पार्ट में बना दिया गया। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सीरियल के सुपरमैन थे किर्क एलन, और उसकी कहानी कुछ यूं थी कि इतना तो जानते ही होंगे कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे अर्थ पे भेज देते हैं, एक फार्मिंग कपल उसे अडॉप्ट कर लेता है फलाना ढिकाना। अब जैसे सुपरमैन की बेसिक सी कहानी है वही चल रही थी, मगर उस फिल्म सीरियल की एक बहुत ही खूबसूरत विलेन थी जो अपने आप को स्पाइडर लेडी कहा करती थी, और उस समय के हिसाब से ये मूवी बहुत ही बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस रही। लोगों ने बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया कि 1951 में किर्क एलन स्टारिंग फिर से एक सुपरमैन का सीक्वल आया, एटम मैन वर्सेस सुपरमैन के नाम से। अच्छा मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सुपरमैन की हर एक दूसरी मूवी वर्सेस कैसे हो जाती है, स्टाइल ही है ये शुरू से इनका। अब देखो ये फिल्म सीरियल रिलीज हुआ था 20 जुलाई 1950 को, फिर से 15 पार्ट में ही रिलीज किया गया, मगर इस बार जादू चला नहीं, क्रिटिक्स को भी ये मूवी पसंद नहीं आई उस समय के हिसाब से भी। कईयों ने तो इसे बहुत ज्यादा बनावटी और गैजेट प्रोन तक कहा इन कंपैरिजन टू सुपरमैन की पहले सीरियल से, और कईयों ने तो इसे चीप तक कह दिया। अब देखो ये बात समझ में आ सकती है कि उस समय के हिसाब से मन मुताबिक स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, तो जितना था उतने में ही काम चलाना था, मगर तब भी चीप लगी, भाई कुछ तो सोच के बोला ही होगा। और अब जब यह सुपरमैन लोगों की दिलों को नहीं जीत पाया तो फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म बनी बिना किसी काट पीट के सुपरमैन एंड द मोलमैन नाम से, रिलीज हुई 23 नवंबर 1951 को। ये पिक्चर एक्चुअली 1 घंटे के अंदर ही थी, 58 मिनट्स की, और इस मूवी में सुपरमैन को पोर्ट्रे किए थे अपने जॉर्ज रीव साहब। अब हाँ आज के समय के अनुसार ये मूवी बच्चों के स्टैंडर्ड्स को पूरा तो नहीं कर पाएगी, लेकिन मूवी के पास अपने चार्म्स हैं जैसे सुपरमैन के पास होने चाहिए, एक सोशल मैसेज के साथ। अब इस मूवी की अपनी डिफरेंट कहानी थी, क्लार्क और उसकी माल पीजे रिस्पेक्ट वुमेन, सुपरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड सिल्स भी टाउन में होते हैं जहां दुनिया का सबसे गहरा कुआं खोदा जा रहा है, मगर एक लफड़ा होने के कारण एक डेंजरस अंडरग्राउंड ह्यूमनॉइड रेस बाहर आ जाती है जिसको सिर्फ अपने सुपरमैन ही रोक सकते हैं, और कौन रोकेगा भाई, सुपरमैन की तो पिक्चर है। और हाँ बाय द वे कुछ खास लोगों को ये पिक्चर पसंद नहीं आई। और जी जनाब आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सी खबर लाया हूँ। जैसे आपको पता ही है कि इन लॉकडाउन के दिनों में अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको एक ऐप रेकमेंड करना चाहता हूँ जो है बाइनरी। अब देखो मैं ये बता देता हूँ कि ये साइट तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल है। इस ऐप में आप मिनिमम 100 रुपीज तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसका तरीका बहुत ही आसान, स्लीक, सिंपल, प्रोफेशनल है। इन चार्ट्स को आपको बस एनालाइज करके बस आपको गेस लगाना है कि किस डायरेक्शन में ये जाएंगी। एक बार बस गेस लगाने के बाद आपको बस अपनी विनिंग का इंतजार करना है, बस कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार बस आपको खेल समझ में आ गया तो अर्निंग चालू। इसके अलावा इस ऐप के अर्न किए हुए पैसों के विड्रॉल भी बहुत ही आसान है, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं विड्रॉल के काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई लोग सीधे इस ऐप के पास जाने के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी पे, क्योंकि अब ठीक यहां से वार्नर ब्रदर्स ने सुपरमैन की सारी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, दिसंबर 1978 की सुपरमैन। अब इधर आपको एक्चुअल नंबर्स देखने को मिलेंगे, मगर सबसे पहले ये जान ले कि इस मूवी के सुपरमैन थे अपने आइकॉनिक क्रिस्टोफर रीव साहब। ये पिक्चर बहुत ही पसंद आई सबको, बहुत ही, यहाँ तक कि इतनी पसंद आई कि इस पिक्चर ने अपने $55 मिलियन बजट के अपोजिट इसने करीबन $300 मिलियन का बिजनेस किया, और इस मूवी ने अपने विजुअल इफेक्ट्स के कारण एक ऑस्कर भी जीता। अब इतनी बड़ी ह्यूमंगस सक्सेस के बाद सुपरमैन 2 बनी 1981 में, ठीक 3 साल बाद। अब सुपरमैन 1 की कहानी बेसिक थी कि कैसे उसका प्लैनेट खत्म होने वाला था, उसके बाप ने उसे अर्थ पे भेज दिया, मगर सुपरमैन की कहानी कुछ तो डिफरेंट थी कि क्लार्क लुईस के चक्कर में अपनी पावर्स को छोड़ना चाह रहे थे, मगर किस्मत ऐसा कहां चाहती थी। इनके क्रिप्टॉन प्लैनेट के 3 बासिंदे अर्थ पे आ जाते हैं उस पे कब्जा करने के लिए, फिर सुपरमैन इनको अच्छे से कागज दिखाता है। अब ये मूवी भी क्रिटिकली और कॉमर्शियली अच्छी रही, मगर इसने अपने $54 मिलियन बजट के अपोजिट सिर्फ $190 मिलियन ही कमाए, काफी बड़ा डिफरेंस था। लेकिन भाई पिक्चर अच्छी थी इसमें कोई शक नहीं है, मगर 1983 की सुपरमैन 3 आई तो बहुत ही बुरी रेटिंग के साथ, और इस मूवी ने कॉमर्शियली कलेक्शन किया $39 मिलियन बजट के अपोजिट $80 मिलियन। मगर अब भी अपने वार्नर ब्रदर्स मानने कहां वाले थे,
उसने फिर से 1987 में सुपरमैन 4 द क्वेस्ट ऑफ पीस निकाली। प्रोडक्शन हाउस ने इस बार बजट ही कम कर दिया, 17 मिलियन बजट के अपोजिट सिर्फ और सिर्फ 36 मिलियन डॉलर्स। अब इतने बड़े डाउनफॉल के बाद भी क्रिस्टोफर रीव साहब का सुपरमैन अमर है भाई। इनकी शुरुआती मूवी सुपरमैन को परफेक्टली डिफाइन करती हैं, उसी इनोसेंस और करिश्मा के साथ जैसे सुपरमैन की पर्सनैलिटी होनी चाहिए पॉप कल्चर में, परफेक्ट थी। मगर 1987 की सुपरमैन मूवी के बाद 19 सालों तक सुपरमैन की एक भी फीचर फिल्म नहीं आई। बहनचोद 19 साल तक वार्नर ब्रदर्स ऐसे ही बदनाम नहीं है, साला 2 दशकों तक कौन बैठा रहता है। लेकिन भाई 2006 में जो सुपरमैन की इतनी हैवी बजट के साथ मूवी आई, क्या ही बोलूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि इस मूवी में सुपरमैन को पोर्ट्रे किए थे ब्रैंडन रॉथ साहब, और इस मूवी ने कमाए 204 मिलियन डॉलर बजट के अपोजिट 391 मिलियन डॉलर्स। अब पिक्चर तो काफी अच्छी थी, क्रिटिकली भी लोगों ने काफी एडमायर किया, मगर इसके ऐसे बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का कारण था बैड शेड्यूलिंग। क्योंकि जब ये मूवीज थिएटर्स को हिट की तो उस समय पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन जस्ट रिलीज हुई थी, और उसी के साथ और भी बड़ी मूवीज रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस अफेक्टेड रहा। मगर भाई मजा आ जाता है पिक्चर को देख के, वो जो आंख में बुलेट मारने वाला सीन है ना, आइकॉनिक, टोटल आइकॉनिक। इस मूवी की ज्यादा बात तो नहीं होती, मगर मूवी काफी अंडररेटेड है, पुरानी यादें वापस ले आती है। अब इसकी कहानी काफी सिंपल और ड्रामेटिक है। सुपरमैन काफी समय के बाद आया होता है और डेली प्लैनेट ज्वाइन करते वक्त ही उसे पता चलता है कि लुइस ने किसी और से शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। हाय रे जिंदगी कितनी तकलीफ देगी। और उसके बाद पिक्चर में अपना रेगुलर लेक्स लूथर और मारामारी का खेल। अब देखो इसका सीक्वल बनने वाला था, काम डेवलपमेंट में भी था, मगर डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और कंपनी के बीच में बैठ नहीं रही थी। और मेन बात, एमसीयू के पीर प्रेशर में आने से उन्होंने कहानी को रीबूट मार दिया। और तब जाके आती है अपनी हेनरी कैविल स्टारिंग मैन ऑफ स्टील 2013 में। 258 मिलियन बजट के ऑपोजिट इसने कमाया 668 मिलियन डॉलर्स। काफी अच्छा रिस्पांस जैक स्नाइडर की बदौलत। अब तो कहानी आपको पता ही होगी, वही बेसिक से ओरिजिनल वाली, मगर इस बार बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक, इंटेंस और पावरफुल। मैन ऑफ स्टील से लेकर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तक सुपरमैन की पर्सनैलिटी में बस थोड़ा सा चेंज आता है, अपनी शख्सियत को लेकर। डॉन ऑफ जस्टिस में हमें बस थोड़ा सा इसके में एरोगेंस दिखता है, मगर चलता है, कहीं ना कहीं कहानी का मुद्दा भी ऐसा ही था। और जहां रही बात 2017 की जस्टिस लीग की, तो भैया ऐसा ही समझो कि सुपरमैन अभी मरा ही हुआ है। इस पिक्चर को भूल जाओ साला, पिक्चर नहीं गलती थी ये। तो भाई इतने सारे सुपरमैन्स को देखने के बाद ये बात तो समझ में आई गई होगी कि सुपरमैन जैसे कैरेक्टर ने क्या क्या झेला है, और साला अभी तक झेल ही रहा है, कभी तो लॉन्ग रन में अच्छा कर। अब 2021 की जस्टिस लीग डिसाइड करेगी कि सुपरमैन का फेथ कहाँ स्टैंड करता है, और उस उम्मीद को बचाने की पावर सिर्फ और सिर्फ हम फैंस के पास है, चाहे हम हेनरी कैविल के सुपरमैन को बचा लें या जाने दें। Choice is yours. अब तो आप ये बात जान ही लिए होंगे कि किस किस तरह के और कैसे कैसे सुपरमैन हमने सिनेमा में देखे हैं। और हाँ, मैं किसी वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पर्दे के सिनेमा के सुपरमैन की बात कर रहे हैं। मगर इसके अलावा अगर आपको इन सुपरमैन के बारे में कुछ और ऐसी जानकारी इंटरेस्टिंग सी है जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाई, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। और हाँ, बाइनरी ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही नीचे मिल जाएंगी, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नया आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explained.